हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंचन किचन रेसिपी में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लंच बॉक्स में देने वाली सब्जी की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, आसान है, और स्कूल खुलते ही हम मम्मियों की टेंशन जो है हो जाती है शुरू के। अपने बच्चे को हर एक दूसरे दिन हम क्या नया चीज़ बना के दें, और जो कि जल्दी भी बने और हेल्दी भी हो। तो बहुत इजी रेसिपी है, आसान है, आप सभी को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तब हम यहाँ पे ले लिए हैं गोभी, और गोभी को हम कट कर लिए हैं और धो लिए हैं इसको अच्छे से। और इसको हम अभी जो है ये बड़ा बड़ा पीसेज है, तो इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इससे और भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना छोटा ये कटेगा उतना ही जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, तो इसी तरह से जो है हम सारे गोभी को कट कर लिए हैं। और तब हम यहाँ पे ले लिए हैं दो हरी मिर्च, इसको कट कर लिए हैं बारीक, दो लहसुन की कली, एक प्याज, और इन सभी को हम बारीक कट कर लिए हैं। चढ़ा दिए गैस पे कढ़ाई, कढ़ाई हो गया गरम, तो डाल दिए हम इसमें तेल, और तेल गरम हो गया तब हम यहाँ पे डाल दिए हैं एक चम्मच जीरा, और हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ही लहसुन भी डाल देंगे, और अब प्याज भी डाल देंगे। और तेल यहाँ पे जो है हम 5 चम्मच डाले हैं। तो भुजिया में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। तो ये देखिए, प्याज को जो है हम आधे मिनट के लिए यहाँ पे पका लिए हैं, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन सबको। उसके बाद हम डाल देंगे गोभी, और गैस का फ्लेम जो है अभी हाई रखे हैं हम। हाई फ्लेम पे गोभी को तब हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसी तरह से जो हम चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। और थोड़ी थोड़ी बाद देर बाद इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो गोभी जो है वो जलने लगेगा, क्योंकि गैस का फ्लेम जो है हम हाई रखे हैं। तब हम डाल देंगे 2 से 3 मिनट के बाद, भुनने के बाद, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम डाल देंगे हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके बच्चे मसाले नहीं खाते हैं तो आप इसमें से मसाले को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ जीरा, नमक, हल्दी और हरी मिर्च पर भी इसको बना के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। और तब हम यहाँ पे जो है डाल दिए हैं नमक, नमक तो गोभी को जो थोड़ा सा भुन जाने के बाद ही डालिए, क्योंकि नमक डालने के बाद जो है इस पानी छोड़ता है गोभी, तो ये अच्छे से भुनाएगा नहीं, इसीलिए हम जो है यहाँ पे 3 से 4 मिनट भुनने के बाद ही नमक डाले हैं। और नमक डालने के बाद, भुनने के बाद हम इसको जो है ढक देंगे, और ढक के हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसको 2 से 3 मिनट। और ये देखिए, ढक के पकाने के बाद गोभी जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है, और गोभी जो है सब्जी थोड़ा कम भी हो रहा है, जैसे जैसे ये भुनेगा तो कम होता जाएगा। और ढक्कन हटाने के बाद हम इसको जो है हाई फ्लेम पे भून लेंगे गोभी को 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर भुनने से होगा क्या, थोड़ा सा भुजिया जो है हमारा क्रिस्पी बनेगा और खाने में जो है टेस्टी लगेगा। तो गोभी जो भुजिया है गोभी का वो बन गया है। तब हम यहाँ पे चेक कर लिए थे कि गोभी हमारा पका है या नहीं, तो पक गया। हम गैस कर दिए बंद और इसको हम सर्व कर दिए हैं, ये देखिए प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी गोभी का भुजिया जो है हो गया है बन के तैयार। तब हम यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ता से गार्निशिंग कर लेंगे, ताकि देखने में जो है और बढ़िया लगेगा। तो इस सब्जी को आप पराठे, पूरी या फिर रोटी, किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हैं अपने बच्चे को, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मेरे बच्चे तो पराठे के साथ पसंद करते हैं खाना। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई आप सभी को ट्राई करने के बाद तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।